मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास। हमारे विश्वास चाहे जो भी हो, लेकिन मैं हम सभी को हमारी दुनिया के बुनियादी आख्यानों पर सवाल उठाने के लिए, अतीत की घटनाओं को वर्तमान के सरोकारों से जोड़कर देखने के लिए और विवादास्पद मुद्दों से ना डरने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। डॉक्टर युवाल नोआ हरारी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इतिहास में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और अब विश्व इतिहास में विशेषज्ञता हासिल करने के बाद वे हिब्रू यूनिवर्सिटी यरूशलम में अध्यापन करते हैं। उनकी रिसर्च व्यापक प्रश्नों पर केंद्रित है, जैसे कि इतिहास और जीव विज्ञान का क्या संबंध है, क्या इतिहास में इंसाफ है, क्या इतिहास के विस्तार के साथ लोग सुखी हुए। हरारी के ऑनलाइन कोर्स अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में 65,000 लोगों ने हिस्सा लिया है। प्रस्तुत पुस्तक एक अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर है और दुनिया की 30 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। 2012 में हरारी को वोलोंस्की प्राइज फॉर क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनेलिटी इन द ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन से सम्मानित किया गया है। युवाल नोआ हरारी, सेपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास। भाग एक, संज्ञानात्मक क्रांति। चैप्टर वन, एक महत्वहीन प्राणी। लगभग 13.5 अरब साल पहले पदार्थ, ऊर्जा, देश और काल उस घटना की वजह से अस्तित्व में आए थे जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। हमारे विश्व के इन बुनियादी लक्षणों की कहानी को भौतिक शास्त्र कहा जाता है। पदार्थ और ऊर्जा अपने प्रकट होने के लगभग 3,00,000 साल बाद एटम नामक जटिल संरचनाओं में संयुक्त होने लगे और इसके बाद ये एटम अणुओं में संयुक्त हो गए। एटमों, अणुओं और उनकी परस्पर क्रिया की इस कहानी को रसायन शास्त्र कहा जाता है। लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी नामक ग्रह पर कुछ खास अणुओं ने मिलकर जीवन नामक विशेष रूप से बड़ी और पेचीदा संरचनाओं को निर्मित किया। जीवों की इस कहानी को जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस से संबंधित जीवों ने इससे भी ज्यादा विस्तृत संरचनाओं को रूप देना शुरू किया जिन्हें संस्कृतियों के नाम से जाना है। इन मानवीय संस्कृतियों के उत्तरवर्ती विकास को इतिहास कहा जाता है। इतिहास की प्रक्रिया को 3 महत्वपूर्ण क्रांतियों ने आकार दिया। संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ने लगभग 70,000 साल पहले इतिहास को क्रियाशील किया। कृषि क्रांति ने 12,000 साल पहले इसे तीव्र गति दी। वैज्ञानिक क्रांति, जो सिर्फ 500 साल पहले शुरू हुई थी, शायद इतिहास को खत्म कर सकती है और किसी पूरी तरह से भिन्न चीज की शुरुआत कर सकती है। इन 3 क्रांतियों ने मनुष्यों और उनके सहचर जीवों को किस तरह प्रभावित किया है, ये पुस्तक इसी का किस्सा कहती है। इतिहास के अस्तित्व में आने के बहुत पहले से मनुष्यों का अस्तित्व था। काफी कुछ आधुनिक मनुष्यों की तरह के प्राणी लगभग 25,00,000 साल पहले प्रकट हुए थे, लेकिन असंख्य पीढ़ियों तक वे उन अनगिनत दूसरे जीवों से अलग नहीं दिखते थे जिनके साथ वे अपने प्राकृतिक वास साझा करते थे। 20,00,000 साल पहले पूर्वी अफ्रीका की पदयात्रा करते हुए शायद आपका सामना मानव चरित्रों की चिर परिचित भूमिका से हो सकता था। बच्चों को सीने से लगाई चिंतित माताएं और मिट्टी से खेलते हुए निश्चिंत बच्चों के समूह, समाज के आदेशों के खिलाफ लाल पीले होते हुए तुनक मिजाज नौजवान और थके हुए बुजुर्ग जो सिर्फ इतना चाहते थे कि उन्हें चैन से रहने दिया जाए, स्थानीय सुंदरी को प्रभावित करने की कोशिश करते छाती ठोकते मर्द और सयानी बूढ़ी कुल माताएं जो ये सब कुछ पहले ही देख चुकी थी। ये आदिम मनुष्य प्रेम करते थे, खेलते थे, करीबी दोस्तियां कायम करते थे,
और हैसियत तथा सत्ता के लिए होड़ करते थे। लेकिन यही सभी चिंपैंजी, लंगूर और हाथी भी किया करते थे। उनमें अलग से कुछ खास नहीं था। किसी को भी, स्वयं मनुष्यों को भी जरा भी आभास नहीं था कि एक दिन उनके वंशज चंद्रमा पर चलेंगे, एटम का विघटन करेंगे, जेनेटिक कोड की थाह लेंगे और इतिहास की किताबें लिखेंगे। प्री हिस्टोरिक मनुष्यों के बारे में जानने लायक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे मामूली प्राणी थे जिनका अपने पर्यावरण पर गुरिल्लाओं, जुगनुओं या जैली मछली से ज्यादा प्रभाव नहीं था। जीव विज्ञानी जीवों को प्रजातियों में वर्गीकृत करते हैं। ऐसे प्राणी जो अगर एक दूसरे से सहवास करने को प्रवृत्त होते हैं, प्रजननशील संतानों को जन्म देते हैं, तो वे एक ही प्रजाति से संबंधित माने जाते हैं। घोड़ों और गधों दोनों का एक ही पूर्वज था और इन दोनों के कई शारीरिक लक्षण एक जैसे हैं, लेकिन वे एक दूसरे में कोई खास यौनपरक दिलचस्पी नहीं रखते। अगर उन्हें उकसाया जाए तो वे सहवास करेंगे, लेकिन उनकी संतान, जिसे खच्चर कहा जाता है, प्रजनन करने में अक्षम होती है। इसलिए गधे के डीएनए के म्यूटेशन घोड़ों में कभी संक्रमित नहीं हो सकते, ना ही इसका उल्टा संभव है। नतीजतन इन दोनों तरह के प्राणियों को विकास के अलग रास्तों पर चलती दो भिन्न प्रजातियों में रखा जाता है। इसके विपरीत एक बुलडॉग और स्पेनियल कुत्ता देखने में बहुत अलग लग सकते हैं, लेकिन वे एक ही प्रजाति के सदस्य हैं जो एक ही डीएनए समूह साझा करते हैं। वे खुशी खुशी सहवास करेंगे और उनके पिल्ले बड़े होकर दूसरे कुत्तों के साथ जोड़ा बनाएंगे और भी पिल्लों को पैदा करेंगे। जिन प्रजातियों का विकास एक साझा पूर्वज से होता है, उन्हें जीनस शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है। शेर, बाघ, तेंदुआ और चीता पैंथोरा जीनस के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रजातियां हैं। जीव विज्ञानी प्राणियों को दोहरे लैटिन नाम से वर्गीकृत करते हैं, पहले जीनस और फिर प्रजाति। उदाहरण के लिए शेरों को पैंथोरा लेयो कहा जाता है, पैंथोरा जीनस की लेयो प्रजाति। संभवतः इस किताब को पढ़ने वाला हर कोई एक होमो सेपियंस है। जीनस होमो यानी कि मनुष्य की, सेपियंस यानी कि बुद्धिमान प्रजाति। जिनेरा को परिवारों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कैट्स, शेर, चीता, बिल्लियां, कुत्ते, भेड़िये, लोमड़ियां, सियार और हाथी। परिवार के सारे सदस्यों के वंश का उद्यम एक संस्थापक कुलपिता या कुलमाता में होता है। उदाहरण के लिए घरेलू बिल्लियों से लेकर अत्यंत उग्र शेर तक, कैट परिवार के सारे सदस्य बिल्ली के समान एक विडाल पूर्वज साझा करते हैं जो 250 लाख साल पहले अस्तित्व में हुआ करता था। होमो सेपियंस भी एक परिवार से संबंध रखता है। ये मामूली सा तथ्य इतिहास के उन रहस्यों में शामिल हुआ करता था जिस पर सबसे ज्यादा करीबी चौकसी रखी गई। मानव अपने आप को लंबे समय तक पशुओं से अलग श्रेणी के रूप में देखना पसंद करता था। परिवार से वंचित एक यतीम के रूप में सहोदरों, चचेरे, फुफेरे, ममेरे भाई बहनों से वंचित और सबसे महत्वपूर्ण ये कि माता पिता विहीन। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हम इसे पसंद करें या ना करें, लेकिन हम एक विशाल और खास तौर से कोलाहलपूर्ण परिवार के सदस्य हैं जिसे विशाल वानरों के नाम से जाना जाता है। हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों में चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरांग उटांग शामिल हैं। चिंपैंजी सबसे करीबी है। महज 60 लाख साल पहले एक इकलौती मादा वानर की दो बेटियां थीं। उनमें से एक सारे चिंपैंजियों की पूर्वज बन गई और दूसरी हमारी अपनी नानी है। कोठरी में कंकाल। होमो सेपियंस ने इससे भी ज्यादा विचलित करने वाले एक रहस्य को छिपा कर रखा है। हमारे ना सिर्फ बड़ी तादाद में चचेरे
ममेरे फुफेरे भाई बहन हैं, बल्कि एक समय में अच्छी खासी तादाद में भाई बहन भी हुआ करते थे। हमें अपने बारे में इस तरह सोचने की आदत है कि हम एकमात्र मनुष्य हैं, क्योंकि पिछले 10,000 सालों से हमारी प्रजाति वाकई एकमात्र मनुष्य प्रजाति रही है। लेकिन ह्यूमन शब्द का वास्तविक अर्थ होमो नामक जीनस से ताल्लुक रखने वाला प्राणी है, और इस जीनस की होमो सेपियंस के अलावा भी कई प्रजातियां हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त, जैसा कि हम इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में देखेंगे, वो भविष्य बहुत दूर नहीं जब हमें एक बार फिर गैर बुद्धिमान नॉन सेपियंस मनुष्यों से निपटना पड़ सकता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं बुद्धिमान मनुष्य प्रजाति के सदस्यों को दर्शाने के लिए अक्सर बुद्धिमान पद का प्रयोग करूंगा। वहीं मनुष्य पद का इस्तेमाल मैं होमो नामक जीनस के सारे मौजूदा सदस्यों के लिए करूंगा। मनुष्यों का पहला विकास लगभग 25 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में वानरों के एक आरंभिक जीनस ऑस्ट्रालोपिथेकस से हुआ था, जिसका मतलब है दक्षिणी वानर। लगभग 20 लाख साल पहले इनमें से कुछ आदिम पुरुष और स्त्रियां उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया के विस्तीर्ण इलाकों में बसने के लिए अपनी मातृभूमि छोड़कर यात्रा पर निकल गए। क्योंकि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों में जीवित बने रहने के लिए उससे भिन्न लक्षण जरूरी थे, जो इंडोनेशिया के प्रवाहमान जंगलों में रहने के लिए आवश्यक थे। इसलिए मनुष्यों की आबादी विभिन्न दिशाओं में विकसित हुई। इसका परिणाम अनेक पृथक प्रजातियों के रूप में सामने आया, जिनमें से प्रत्येक प्रजाति के लिए वैज्ञानिकों ने एक आडंबरपूर्ण लैटिन नाम प्रदान किया है। यूरोप और पश्चिमी एशिया के मनुष्य होमो नियंडरथलेसिस के रूप में विकसित हुए, जिन्हें आमतौर पर मात्र लियंडरथल्स कहा जाता है। हम सेपियंस के मुकाबले स्थूलकाय और हस्तपुष्ट नियंडरथल्स पश्चिम यूरेशिया के हिमयुग की शीत जलवायु से अच्छी तरह अनुकूलित थे। एशिया के अधिकांश क्षेत्र होमो इरेक्टस तनकर खड़ा मनुष्य से आबाद थे, जो वहां करीब करीब 20 लाख सालों तक बने रहे, और इस तरह वे अब तक की सबसे ज्यादा टिकाऊ मनुष्य प्रजाति साबित हुए। इसकी कोई संभावना नहीं कि ये कीर्तिमान स्वयं हमारी प्रजाति भी तोड़ पाएगी। इसमें संदेह है कि होमो सेपियंस की प्रजाति आज से 1000 साल बाद तक बनी रह सकेगी। इसलिए 20 लाख साल वाकई हमारी सामर्थ्य के बाहर है। इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर होमो सोलाएंसिस सोलो घाटी का मनुष्य नामक प्रजाति रहती थी, जो उष्णकटिबंधीय जीवन के अनुकूल थी। एक अन्य इंडोनेशियाई द्वीप फ्लोरेस नामक छोटा द्वीप पर आदिम मनुष्य बोने होने की प्रक्रिया से गुजरे। मनुष्य फ्लोरेस के द्वीप पर पहली बार तब पहुंचे थे जब समुद्र का स्तर असाधारण रूप से निचला था और मुख्य भूभाग से इस द्वीप तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। जब समुद्र फिर उभार पर आया तो कुछ लोग उस द्वीप पर फंस गए, जो संसाधनों की दृष्टि से कमजोर था। बड़े आकार के लोग, जिन्हें ज्यादा भोजन की जरूरत थी, सबसे पहले मरे। छोटे आकार के लोग ज्यादा बेहतर ढंग से जीवित बने रहे। कई पीढ़ियों के दौरान फ्लोरेस के लोग बौने हो गए। वैज्ञानियों द्वारा होमो फ्लोरोसियेंसिस के नाम से ज्ञात ये अनूठी प्रजाति अधिकतम 1 मीटर की लंबाई तक पहुंची और उसका वजन 25 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता था। इसके बावजूद वे पत्थर के औजार बनाने में सक्षम थे और कभी कभी द्वीप के हाथियों तक का शिकार कर लेते थे। हालांकि ये कहना उचित होगा कि वे हाथी भी बौनी प्रजाति के होते थे। 2010 में जब साइबेरिया में डेनिसोवा गुफा की खुदाई करते हुए वैज्ञानिकों को एक अंगुली की हड्डी का जीवाश्म प्राप्त हुआ, तो एक और सदोहर को गुमनामी से बाहर लाया गया। जेनेटिक विश्लेषण ने साबित किया कि ये अंगुली
पहले अज्ञात एक मनुष्य प्रजाति से ताल्लुक रखती थी, जिसे होमो डेनिसोवा नाम दिया गया। कौन जानता है कि हमारे कितने खोए हुए संबंधी दूसरी जलवायुओं, दूसरे द्वीपों की दूसरी गुफाओं में ढूंढे निकाले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस दौरान ये मनुष्य यूरोप और एशिया में विकसित हो रहे थे, पूर्वी अफ्रीका में विकास की प्रक्रिया थमी नहीं थी। मनुष्यता के पालने ने अनेक नई प्रजातियों का पालन पोषण जारी रखा, जैसे कि होमो रुडोल्फिनसिस, रुडोल्फ झील का मनुष्य, होमो एर्गास्टर, कामकाजी मनुष्य, और बाद में खुद हमारी प्रजाति, जिसे हमने निर्लज्ज ढंग से होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान मनुष्य नाम दे रखा है। इनमें से कुछ प्रजातियों के सदस्य विशालकाय थे और कुछ बौने थे, कुछ भयंकर शिकारी थे और कुछ वनस्पतियां इकट्ठी करने वाले विनम्र लोग थे। कुछ सिर्फ एक ही द्वीप पर रहे, जबकि बहुत से तमाम महाद्वीपों में भटके, लेकिन ये सब होमोजीनस के थे, वे सभी मनुष्य थे। ये एक आम भ्रांति है जिसके तहत इन प्रजातियों की एक सीधी वंशावली के रूप में कल्पना की जाती है और माना जाता है कि एर्गास्टर ने इरेक्टस को जन्म दिया, इरेक्टस ने नियंडरथल्स को जन्म दिया और नियंडरथल्स हमारे रूप में विकसित हुए। ये एक रैखिक मॉडल इस गलत धारणा को जन्म देता है कि किसी एक खास क्षण में सिर्फ किसी एक ही किस्म के मनुष्य पृथ्वी पर रहते थे, और ये कि तमाम आरंभिक प्रजातियां हमारे महज पुराने मॉडल थे। वास्तविकता ये है कि लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर लगभग 10,000 साल पूर्व तक दुनिया एक ही समय में कई मनुष्य प्रजातियों का घर हुआ करती थी, और क्यों नहीं, आज लोमड़ियों, सुअरों और भालुओं की कई प्रजातियां हैं। कई सालों पहले की पृथ्वी पर मनुष्य की कम से कम 6 अलग अलग प्रजातियां आवागमन करती थी। यह हमारा बहु प्रजातीय अतीत नहीं, बल्कि हमारी मौजूदा अनन्यता है, जो विचित्र है और शायद अभियोगात्मक भी। जैसा कि हम जल्दी ही देखेंगे, हम सेपियंस के पास अपने सहोदरों की स्मृति को कुचलने के भरपूर कारण है। सोचने की कीमत। अपनी अनेक भिन्नताओं के बावजूद तमाम मनुष्य प्रजातियां कई पारिभाषिक लक्षणों को साझा करती हैं। इनमें सबसे ज्यादा उल्लेखनीय ये है कि मनुष्यों के पास दूसरे प्राणियों के मुकाबले असाधारण रूप से बड़ा मस्तिष्क है। 60 किलोग्राम के वजन वाले स्तनपायी प्राणियों के मस्तिष्क का औसत आकार 200 घन सेंटीमीटर होता है। 25 लाख साल पहले के सबसे प्राचीन पुरुषों और स्त्रियों के मस्तिष्क लगभग 600 घन सेंटीमीटर थे। आधुनिक सेपियंस औसतन 1200 से लेकर 1400 घन सेंटीमीटर मस्तिष्क धारण करते हैं। नियंडरथल्स के मस्तिष्क इससे भी बड़े थे। विकास प्रक्रिया द्वारा बड़े मस्तिष्कों का चयन किया जाना हमें बहुत स्वाभाविक सी बात लग सकती है। हम अपनी जबरदस्त बुद्धिमत्ता को लेकर इतने आसक्त हैं कि हम मानते हैं जहां तक दिमागी शक्ति का सवाल है, वो जितनी ज्यादा हो उतनी ही अच्छी है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बिल्ली परिवार ने ऐसी बिल्लियों को उत्पन्न किया होता जो गणना कर सकती। समूचे प्राणियों के साम्राज्य में मानव जीनस ही ऐसे भीषण चिंतनशील मशीनों के साथ क्यों प्रकट हुआ? तथ्य यह है कि एक भारी भरकम मस्तिष्क शरीर पर बहुत बड़ा बोझ है, उसे ढोना आसान नहीं है, खास तौर से जब वो एक विशालकाय खोपड़ी के अंदर बंद हो। उसे ईंधन उपलब्ध कराना और भी मुश्किल है। सेपियंस में मस्तिष्क शरीर के कुल वजन का लगभग 2-3% होता है, लेकिन जिस वक्त शरीर आराम कर रहा होता है उस वक्त वो शरीर की 25% ऊर्जा का उपभोग करता है। इसकी तुलना में दूसरे वानरों के मस्तिष्कों को विश्राम काल में ऊर्जा की मात्र 8% की जरूरत होती है। आदिम मनुष्यों ने अपने विशाल मस्तिष्कों की कीमत दो तरह से चुकाई। एक, उन्हें भोजन की तलाश में अपना ज्यादातर समय बिताना पड़ता था। दूसरे,
उनकी मांसपेशियां क्षीण हो गई थी। जिस तरह कोई सरकार पैसे को प्रतिरक्षा के मद से शिक्षा के मद में स्थानांतरित कर देती है, उसी तरह मनुष्यों ने ऊर्जा को बाहों के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों से स्नायुओं में स्थानांतरित कर दिया था। इसे पूर्व निश्चित नतीजा शायद ही कहा जा सके कि यह घास के मैदान में जीवित बने रहने की एक अच्छी रणनीति है। एक चिंपांजी किसी बुद्धिमान मनुष्य से तर्क में नहीं जीत सकता, लेकिन वो आदमी को लत्तों की बनी गुड़िया की तरह चीर सकता है। आज बड़े मस्तिष्क काफी कारगर हैं, क्योंकि हम कारें और बंदूकें तैयार कर सकते हैं जो हमें चिंपैंजियों से ज्यादा तेज भागने में सक्षम बनाती हैं, और हम उनसे कुश्ती लड़ने के बजाय एक सुरक्षित दूरी से उन पर गोली दाग सकते हैं। लेकिन कारें और बंदूकें हाल ही की चीजें हैं। 20 लाख से ज्यादा सालों तक मनुष्यों का तंत्रिका नेटवर्क लगातार विकसित होता रहा, लेकिन कुछ चकमक चाकुओं तथा नुकीली छड़ियों के अलावा मनुष्यों के पास दिखाने लायक बहुत कम था। तब वो क्या चीज थी जिसने उन 20 लाख सालों के दौरान विशालकाय मानव मस्तिष्क के विकास को उत्प्रेरित किया? ईमानदारी से कहें तो हम कुछ नहीं जानते। एक अन्य अद्वितीय मानवीय लक्षण ये है कि हम अपने दो पैरों पर सीधे खड़े होकर चलते हैं। सीधे खड़े होकर खेल या शत्रुओं के लिए घास के मैदान का निरीक्षण करना आसान है, और हाथ जो चलने के लिए गैर जरूरी हैं, पत्थर फेंकने या संकेत करने जैसे दूसरे कामों के लिए आजाद हैं। ये हाथ जितने ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते थे, उतने ही इन हाथों के मालिक कामयाब थे। इसलिए विकासपरक दबाव स्नायुओं तथा हथेलियों और उंगलियों की बढ़ती हुई एकाग्रता का कारण बना। नतीजतन मनुष्य अपने हाथों से मुश्किल काम कर सकता है, खासतौर से वे परिष्कृत और औजार गढ़ सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। औजारों के निर्माण का पहला साक्ष्य 25 लाख साल पुराना है। औजारों का निर्माण तथा उपयोग वो कसौटी है जिसके आधार पर पुरातत्वविद प्राचीन मनुष्यों की पहचान करते हैं। लेकिन तनकर चलने का अपना नकारात्मक पहलू भी है। हमारे आद्य पूर्वजों का हड्डियों का ढांचा लाखों सालों के दौरान एक ऐसे प्राणी को थामे रखने के लिए विकसित हुआ था जो चारों पैरों पर चलता था और जिसका सिर अपेक्षाकृत छोटा था। तनकर खड़े होने की स्थिति के साथ सामंजस्य बैठाना खासी चुनौती थी, खास तौर से तब जब ढांचे को एक अतिरिक्त रूप से बड़े कपाल को थामना जरूरी था। मानव जाति ने अपनी बुलंद दृष्टि और उद्यमशील हाथों की कीमत पीठ के दर्द और गर्दन के अकड़ने से चुकाई। स्त्रियों को अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ी। एक तनी हुई चाल के लिए छोटे नितंब जरूरी थे जो प्रसव नलिका को संकुचित करने वाले थे, और ये ठीक उस वक्त जब शिशुओं के सिर उत्तरोत्तर बड़े हो रहे थे। प्रसवकालीन मृत्यु मनुष्य मादाओं के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गया। जिन स्त्रियों ने पहले बच्चे जने थे, जब शिशुओं के मस्तिष्क और सिर अपेक्षाकृत छोटे और लचीले हुआ करते थे, वे ज्यादा कामयाब रही थी और वे ज्यादा बच्चों को जन्म देने के लिए जीवित रह सकी। प्राकृतिक वरण ने परिणामतः शुरुआती प्रसवों को सहारा दिया, और वाकई दूसरे प्राणियों के मुकाबले मनुष्य का जन्म समय से पहले हो जाता है, जबकि उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी कार्य प्रणालियां पूरी तरह से विकसित नहीं हुई होती। एक बछड़ा जन्म लेने के कुछ ही समय बाद दौड़ने लग सकता है। बिल्ली का बच्चा जन्म लेने के कुछ ही हफ्तों बाद अपनी माँ को छोड़कर खुद ही अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। इंसानी बच्चे असहाय होते हैं। वे भरण पोषण, संरक्षण और शिक्षा के लिए कई सालों तक अपने बड़ों पर निर्भर रहते हैं। इस चीज ने मानव जाति के असाधारण सामाजिक क्षमताओं और उसकी अनूठी सामाजिक समस्याओं में बड़ा योगदान किया है। पीछे लगे मोहताज बच्चों के साथ अकेली माताएं अपनी संतानों और खुद के लिए शायद ही पर्याप्त भोजन जुटा पाती थी। बच्चों को बड़ा करने में
परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों की निरंतर मदद जरूरी होती थी। मनुष्य को बड़ा करने में एक पूरा कुटुंब लगता है। इस तरह विकास ने उन लोगों का साथ दिया जो मजबूत सामाजिक बंधन गढ़ने में सक्षम थे। साथ ही चूंकि मनुष्य अपरिपक्व स्थिति में जन्म लेते हैं, उन्हें दूसरे प्राणियों के मुकाबले एक बड़ी सीमा तक शिक्षित और सामाजिकृत किया जा सकता है। बहुत से स्तनपाई गर्भ से इस तरह निकलते हैं जैसे आंवा से चमकता हुआ मिट्टी का बर्तन निकलता है। नया आकार देने की कोई भी कोशिश उसमें खरोंचे पैदा कर सकती है या उन्हें तोड़ सकती है। मनुष्य भट्टी से निकले लचीले कांच की तरह गर्भ से निकलते हैं। उन्हें आश्चर्यजनक आजादी के साथ घुमाया ताना जा सकता है और आकार दिया जा सकता है। यही वजह है कि आज हम अपने बच्चों को ईसाई या बौद्ध, पूंजीवादी या समाजवादी, लड़ाकू या शांतिप्रिय बनाने के लिए शिक्षित कर सकते हैं। हम मानते हैं कि बड़ा मस्तिष्क, औजारों का इस्तेमाल, सीखने की उत्कृष्ट क्षमताएं और जटिल सामाजिक संरचनाएं बहुत बड़ी सुविधाएं हैं। ये बात स्वतः सिद्ध लगती है कि इन चीजों ने मानव को पृथ्वी का सबसे ताकतवर प्राणी बनाया है। लेकिन मनुष्य इन तमाम सुविधाओं को पूरे 20 लाख साल तक भोगते रहे, जिस दौरान वे कमजोर और महत्वहीन बने रहे। लिहाजा 10 लाख साल पहले के मनुष्य अपने बड़े मस्तिष्कों और पत्थर के अपने पैने औजारों के बावजूद लगातार शिकारियों के भय में रहते थे। कभी कभार ही बड़े शिकार किया करते थे और मुख्यतः वनस्पतियां बटोरकर, कीड़ों को पकड़कर, छोटे जानवरों का पीछा करके और ज्यादा ताकतवर मांस भक्षियों द्वारा छोड़ दिया गया सड़ा हुआ मांस खाकर अपना जीवन यापन करते थे। शुरुआती पत्थर के औजारों का एक सबसे आम उपयोग हड्डियों को तोड़कर मज्जा निकालने के लिए होता था। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये हमारा मूल सहारा था। जिस तरह कट फोड़वे पेड़ों के तनों से कीड़ों को निकालने में महारत हासिल कर लेते हैं, उसी तरह मनुष्यों ने हड्डियों से मज्जा निकालने में महारत हासिल कर ली थी। आखिर मज्जा क्यों? मान लीजिए कि आप शेरों के एक झुंड द्वारा एक जिराफ को मार गिराकर खाते हुए देखते हैं। उनका भोजन पूरा होने तक आप धीरज के साथ प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन आपकी बारी अभी भी नहीं आई है, क्योंकि पहले लकड़बग्घे और सियार मृत जानवर की उस झूठन को खाएंगे और आप उनके इस काम में दखल अंदाजी की हिम्मत नहीं कर सकते। इसके बाद ही आप और आपकी टोली सावधानी के साथ दाएं बाएं देखते हुए उस लाश के कंकाल की ओर बढ़ेंगे और बचे खुचे खाने लायक मांस तंतुओं पर झपटेंगे। ये हमारे इतिहास और मनोविज्ञान को समझने की एक कुंजी है। भोजन की श्रृंखला में मानव जीनस की स्थिति हाल ही के समय तक लगातार बीच की हुआ करती थी। लाखों सालों तक मनुष्यों ने छोटे प्राणियों का शिकार किया जो कुछ बटोर सकते थे, उसे बटोरा, जिस दौरान वे बड़े शिकारियों द्वारा शिकार बनाए जाते रहे। ये महज 4 लाख साल पहले की बात है, जब मनुष्यों की कई प्रजातियों ने नियमित रूप से बड़े शिकार करना शुरू किए, और ये होमो सेपियंस के अभ्युदय के साथ घटित महज पिछले 1 लाख साल की घटना है कि मनुष्य भोजन श्रृंखला के शिखर पर जा पहुंचा। मध्यवर्ती स्थिति से शिखर पर लगाई गई इस शानदार छलांग के व्यापक नतीजे हुए। शेर और शार्क जैसे जो दूसरे प्राणी इस पिरामिड के शिखर पर पहुंचे थे, वे लाखों वर्षों के दौरान धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचे थे। इस चीज ने इकोसिस्टम की उन नियंत्रणों और संतुलनों को विकसित करने में मदद की जो शेरों और शार्कों को भारी तबाही मचाने से रोकते हैं। जब शेर ज्यादा घातक होते गए, तब हिरणों ने और तेज दौड़ने, लकड़बग्घों ने बेहतर ढंग से सहयोग करने और गैंडों ने और ज्यादा गुस्सैल होने की सामर्थ्य विकसित कर ली। इसके विपरीत मानव इतनी फुर्ती से शिखर पर जा पहुंचा कि इकोसिस्टम को तालमेल बैठाने का समय ही नहीं मिल सका। इसके अलावा खुद मनुष्य तालमेल बैठाने में नाकामयाब रहे। महाद्वीप के
सबसे शीर्षस्थ शिकारी तेजस्वी जीव हैं। लाखों वर्षों के प्रभुत्व ने उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया है। सेपियंस इसके विपरीत काफी हद तक छोटे अविकसित देश की तरह हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था विदेशी कंपनियों पर निर्भर होती है। अभी हाल ही के वक्त तक घास के मैदान की एक कमजोर नस्ल रह चुकने के बाद हम अपनी स्थिति को लेकर भय और उद्विग्नताओं से भरे हैं। ये स्थिति हमें और भी क्रूर तथा खतरनाक बनाती है। इस अति उतावली छलांग के नतीजे में घातक युद्धों से लेकर पर्यावरण संबंधी तबाहियों तक अनेक ऐतिहासिक आपदाएं घटित हुई हैं। रसोइयों की प्रजाति शिखर पर पहुंचने की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी आपको घरेलू बनाना था। कुछ मानव प्रजातियों ने कोई 8 लाख साल पहले आग का कभी कभार इस्तेमाल किया हो सकता है। 3 लाख साल पहले तक आते आते होमो इरेक्टस, नियंडरथल और होमो सेपियंस के पूर्वज नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करने लगे थे। मनुष्यों के पास अब रोशनी और गर्माहट का भरोसेमंद संसाधन और शिकारी शेरों के खिलाफ एक घातक हथियार था। हो सकता है कि इसके बाद जल्दी ही मनुष्यों ने जानबूझकर अपने पड़ोस को जलाना शुरू कर दिया हो। एक सावधानी पूर्वक नियंत्रित आग दुर्गम उजाड़ झुरमुटों को आखेटों से भरे उत्कृष्ट चरागाहों में बदल सकती थी। साथ ही जैसे ही आग बुझती होगी, वैसे ही प्रस्तर युग के उद्यमी धुआं उगलते अवशेषों के बीच से गुजरते हुए अध जले जानवरों, गुठलियों और कंदमूलों को समेट लेने में समर्थ हो गए होंगे। लेकिन आग ने जो सबसे अच्छा काम किया वो था पकाना। गेहूं, चावल और आलू जैसी भोजन की जिन वस्तुओं को मनुष्य इनके कुदरती रूपों में पचा नहीं पाते थे, वे पकाए जाने की वजह से हमारे मुख्य खाद्य पदार्थ बन गई। आग ने न केवल भोजन के रसायन को बदल दिया, बल्कि उसने उसके जैविकी को भी बदल दिया। पकाने की क्रिया उन कीटाणुओं और परजीवियों को मार देती थी जो भोजन में फैलकर उसको दूषित कर देते थे। फलों, गुठलियों, कीड़ों और मृत जानवरों के मांस के पक जाने से मनुष्यों को इन चीजों को चबाने और पचाने में बहुत ज्यादा आसानी हो गई। जहां चिंपैंजी को कच्चे भोजन को चबाने में हर दिन 5 घंटे लग जाते हैं, वहीं पका हुआ अन्न खाने के लिए लोगों को 1 घंटा पर्याप्त होता है। पकाने की क्रिया के आगमन ने मनुष्यों को अनेक तरह के भोजनों को खाने, खाने की क्रिया में कम समय लगाने और छोटे दांतों तथा छोटी आंतों से काम चलाने में सक्षम बना दिया। कुछ अध्येताओं का मानना है कि पकाने की क्रिया के आगमन मनुष्य की अतियों के मार्ग के छोटे होने और मानव मस्तिष्क के विकास के बीच सीधा संबंध है। चूंकि लंबी आंतें और विशाल मस्तिष्क दोनों ही बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उपभोग करते हैं, इसलिए दोनों का होना मुश्किल में डालता है। पकाने की क्रिया ने आंतों को छोटा करके और उनकी ऊर्जा खपत को घटाकर नियंडरथल्स और सेपियंस के लिए विशाल मस्तिष्क का दरवाजा खोल दिया। आग ने मनुष्य और दूसरे प्राणियों के बीच पहली महत्वपूर्ण खाई भी पैदा की। लगभग सभी प्राणियों की शक्ति उनकी कायाओं पर निर्भर करती है। उनकी मांसपेशियों की ताकत, उनके दांतों के आकार और उनके पंखों की चौड़ाई पर। वे हवाओं और जल प्रवाहों का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन इन कुदरती बलों को कंट्रोल नहीं कर सकते और वे इनकी भौतिक बनावट के सामने हमेशा लाचार होते हैं। उदाहरण के लिए गिद्ध जमीन से उठते ऊष्म हवा के स्तंभों को पहचान लेते हैं, अपने विशाल पंख फैलाते हैं और गर्म हवा को गुंजाइश देते हैं कि वो उन्हें ऊपर की ओर खींच सके। लेकिन गिद्ध इन स्तंभों की स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते और उनकी अधिकतम क्षमता पूरी तरह से उनके पंखों के विस्तार के अनुपात में होती है। जब मनुष्यों ने आग को घरेलू बना दिया तो उन्होंने एक आज्ञानुवर्ती और संभाव्य रूप से असीम बल पर काबू पा लिया। गिद्धों से भिन्न मनुष्य ये तय कर सकते थे कि उन्हें कब और कहां एक लपट पैदा करनी है और वे कितने ही कामों के लिए आग का उपयोग कर सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि आग की शक्ति मानव शरीर के रूप संरचना या सामर्थ्य से सीमित नहीं थी। एक अकेली औरत चकमक या आग की तीली से कुछ ही घंटों में समूचे जंगल को जलाकर राख कर सकती थी। आग का घरेलू होना आने वाली चीजों का एक संकेत था, हमारे बंधुओं के रखवाले। आग के फायदों के बावजूद 1.5 लाख साल पहले तक मनुष्य हाशिए के प्राणी ही थे। वे अब शेरों को डराकर भगा सकते थे, ठंडी रातों के दौरान खुद को गर्म रख सकते थे और कभी कभी जंगलों को आग लगा सकते थे। लेकिन सारी प्रजातियों को एक साथ रखकर देखा जाता तो वे इंडोनेशियाई द्वीप समूह और इबेरियाई प्रायद्वीप के बीच रह रहे लाखों मनुष्यों से ज्यादा कुछ नहीं थे। वे इकोलॉजिकल राडार पर एक कौंद से ज्यादा कुछ नहीं थे। हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस विश्व मंच पर प्रकट हो चुकी थी, लेकिन अब तक वो अफ्रीका के एक कोने में अपने काम में लगी थी। हम ठीक ठीक नहीं जानते कि होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जा सकने वाले प्राणी मनुष्यों की आरंभिक किस्म कहां और कब विकसित हुई, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि 1.5 लाख साल का समय आते आते पूर्वी अफ्रीका उन सेपियंस से आबाद हो चुका था जो हमारी तरह दिखते थे। अगर उनमें से कोई आधुनिक मुर्दा घर में मिल जाए तो स्थानीय पैथोलॉजिस्ट को उसमें कोई अनूठी चीज दिखाई नहीं देगी। आग की कृपा से उनके दांत और जबड़े उनके पूर्वजों के मुकाबले छोटे थे, जबकि उनके मस्तिष्क विशाल थे, हमारे मस्तिष्कों के बराबर आकार के। वैज्ञानिक इस बात पर भी सहमत हैं कि लगभग 70,000 साल पहले पूर्वी अफ्रीका के सेपियंस अरब प्रायद्वीप में फैल गए थे और वहां से वे बहुत तेजी से समूचे यूरेशियाई भूभाग में फैल गए। जब होमो सेपियंस अरब पहुंचे तब यूरेशियाई के ज्यादातर हिस्से में दूसरे मनुष्य पहले ही बस चुके थे। उनका क्या हुआ, इस बारे में दो परस्पर विरोधी अनुमान हैं। संकरण सिद्धांत आकर्षण, सेक्स और घुलने मिलने की कहानी कहता है, जैसे ही अफ्रीका से आए लोग दुनिया में फैले उन्होंने दूसरी मनुष्य आबादियों के साथ मिलकर प्रजनन किया और आज के लोग इसी संकरण का नतीजा है। उदाहरण के लिए सेपियंस जब मध्य पूर्व और यूरोप पहुंचे तो उनका सामना नियंडरथल्स से हुआ। ये मनुष्य सेपियंस के मुकाबले ज्यादा मांसल थे, उनके मस्तिष्क बड़े थे और वे बेहतर ढंग से ठंडी जलवायु के अभ्यस्त थे। वे औजारों और आग का इस्तेमाल करते थे, वे अच्छे शिकारी थे और समझा जाता था कि अपने बीमारों और अशक्त लोगों की देखभाल किया करते थे। व्यंग चित्रों में नियंडरथल्स का चित्रण अक्सर आद्य प्रारूपीय पशुवत और मूर्ख कंदरावासी लोगों के रूप में किया जाता रहा है, लेकिन हाल ही के साक्ष्यों ने उनकी छवि को बदला है। संकरण सिद्धांत के मुताबिक जब सेपियंस नियंडरथल्स के देशों में फैल गए तो सेपियंस ने उनके साथ तब तक प्रजनन किया जब तक कि दोनों आबादियां एक दूसरे में विलीन नहीं हो गई। अगर ऐसा है तो आज के यूरेशियाई विशुद्ध सेपियंस नहीं है, वे सेपियंस और नियंडरथल्स का मिश्रण है। इसी तरह जब सेपियंस पूर्वी एशिया पहुंचे तो उन्होंने स्थानीय इरेक्टस के साथ प्रजनन किया। इस तरह चीनी और कोरियाई लोग सेपियंस तथा इरेक्टस का मिश्रण है। इसके विपरीत दृष्टिकोण जिसे प्रतिस्थापन सिद्धांत कहा जाता है एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहता है। असामंजस्य, विकर्षण और शायद जाति संहार तक की कहानी। इस अनुमान के अनुसार सेपियंस और दूसरे मनुष्यों की शरीर रचनाएं भिन्न थी और पूरी संभावना है कि इनके सहवास करने के ढंग और शरीर की गंधें अलग थी। एक दूसरे में उनकी कामपरक दिलचस्पियां बहुत कम रही होंगी और अगर एक नियंडरथल्स रोमियो और एक सेपियंस जूलियट के बीच इश्क हो भी जाता तो वे प्रजननशील बच्चों को पैदा नहीं कर सकते थे। दोनों आबादियों को अलगाने वाली आनुवांशिक खाई को पाटा नहीं जा सकता था। दोनों आबादियां पूरी तरह से पृथक बनी रही और जब नियंडरथल्स मर गए या मार दिए गए
तो उनके जीन भी उन्हीं के साथ मर गए। इस दृष्टिकोण के मुताबिक सेपियंस ने तमाम पिछले मानवीय आबादियों में घुले बगैर उनकी जगह ले ली। अगर ऐसा है तो आज के तमाम मनुष्यों का उद्यम पूरी तरह से 70,000 साल पहले के पूर्वी अफ्रीका में देखा जा सकता है। हम सब विशुद्ध सेपियंस हैं। इस बहस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। विकासवादी परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से 70,000 साल एक अपेक्षाकृत छोटा अंतराल है। अगर प्रतिस्थापन सिद्धांत सही है तो सारे जीवित मनुष्यों का आनुवांशिक असबाब मोटे तौर पर एक समान है और उनके बीच के नस्ल परक भेद नगण्य ठहरते हैं। लेकिन अगर संकरण सिद्धांत सही है तो अफ्रीकियों, यूरोपीय लोगों और एशियाइयों के बीच के आनुवांशिक भेद हजारों साल पुराने हो सकते हैं। ये एक राजनैतिक डायनामाइट है जो विस्फोटक नस्ल परक सिद्धांतों के लिए सामग्री उपलब्ध करा सकता है। हाल के दशकों में प्रतिस्थापन सिद्धांत इस क्षेत्र में एक आम समझ रही है। इसके पास एक अपेक्षाकृत सुदृढ़ पुरातात्विक आधार था और ये राजनैतिक दृष्टि से ज्यादा उचित था। लेकिन 2010 में ये समझ समाप्त हो गई जब नियंडरथल्स के जीन समूह का नक्शा तैयार करने के 4 साल लंबे उद्यम के परिणाम प्रकाशित हुए। जेनेटिक विशेषज्ञ जीवाश्मों में नियंडरथल्स के इतने पर्याप्त सुरक्षित डीएनए इकट्ठे करने में सक्षम थे कि वे उनकी और समकालीन मनुष्यों के डीएनए की विस्तृत तुलना कर सकते थे। इन नतीजों ने वैज्ञानिक समुदाय को स्तब्ध कर दिया। पता चला कि मध्य पूर्व और यूरोप की आधुनिक आबादियों के विशिष्ट मानवीय डीएनए का 1.4% नियंडरथल्स का डीएनए है। ये बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। दूसरा झटका कई महीनों बाद लगा, जब डेनिसोवा से मिली जीवाश्मीकृत अंगुली से निकाले गए डीएनए का नक्शा तैयार किया गया। नतीजे ने साबित किया कि आधुनिक मेलानेशियाई और ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के विशिष्ट मानवीय डीएनए का 6% डेनिसोवियाई डीएनए है। अगर ये नतीजे प्रमाणिक हैं और इस बात को दिमाग में रखना महत्वपूर्ण है कि और भी शोध अभी जारी है और वे इन निष्कर्षों को पुष्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं, तो संकरणवादियों का कहना कम से कम कुछ हद तक सही है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्रतिस्थापन सिद्धांत पूरी तरह से गलत है। चूंकि नियंडरथल्स और डेनिसोवंस ने हमारे आज के जीन समूह में थोड़े से डीएनए का योगदान किया है, इसलिए सेपियंस और दूसरी मनुष्य प्रजातियों के बीच विलयन की बात करना असंभव है। यद्यपि इनके बीच के भेद इतने पर्याप्त बड़े नहीं थे कि वे जननक्षम संभोग को रोकते, लेकिन वे इस तरह के संपर्कों को बहुत विरल बनाने के लिए काफी थे। तब फिर हमें सेपियंस, नियंडरथल्स और डेनिसोवंस की जैविक संबंधता को किस तरह समझना चाहिए। स्पष्ट है कि वे घोड़ों या बंदरों की तरह पूरी तरह से भिन्न प्रजाति नहीं है। दूसरी ओर वे बुलडॉग और स्पेनियल की तरह एक ही प्रजाति के विभिन्न लोग भी नहीं थे। जैविक वास्तविकता सियाह और सफेद नहीं होती, वहां महत्वपूर्ण अपरिभाषित इलाके भी होते हैं। एक उभयनिष्ठ पूर्वज से विकसित घोड़ों और गधों की तरह की हर दो प्रजातियां किसी समय में एक ही प्रजाति की दो आबादियां थी, जैसे बुलडॉग और स्पाइनल। कोई ऐसा मुकाम निश्चय ही रहा होगा जब दो आबादियां एक दूसरे से पहले ही पूरी तरह भिन्न रही होंगी, लेकिन जो कभी कभार संसर्ग करने और संतानें उत्पन्न करने में सक्षम रही होंगी। इसके बाद एक और उत्परिवर्तन ने इस आखिरी संयोजक सूत्र को काट दिया और वे विकास के अलग अलग रास्तों पर चले गए। लगता है कि लगभग 50,000 साल पहले सेपियंस, नियंडरथल्स और डेनिसोवंस उस सीमा रेखा पर थे। वे लगभग पूरी तरह से अलग अलग प्रजातियां थीं। जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे, सेपियंस पहले ही नियंडरथल्स और डेनिसोवंस से बहुत अलग थे, सिर्फ अपने आनुवांशिक कोड और शारीरिक लक्षणों के मामले में ही नहीं, बल्कि
अपनी संज्ञानात्मक और सामाजिक योग्यताओं के मामले में भी। फिर भी लगता है कि सेपियंस और नियंडरथल्स के लिए तब भी कभी कभार जन नक्षम संतानें पैदा करना संभव रहा होगा, इसलिए आबादी घुल मिल नहीं गई। लेकिन नियंडरथल के कुछ सौभाग्यशाली जीन्स को सेपियंस एक्सप्रेस में सवारी करने का मौका मिल गया था। ये विचलित करने वाली और शायद रोमांचक बात है कि हम सेपियंस ने एक समय में एक भिन्न प्रजाति के प्राणी के साथ संसर्ग किया हो सकता है और दोनों ने मिलकर संतानें उत्पन्न की हो सकती हैं। लेकिन अगर नियंडरथल्स, डेनिसोवंस और अन्य मनुष्य प्रजातियां सेपियंस में विलीन नहीं हुई तो फिर वे गायब क्यों हो गई? जरा सेपियंस समूह के बालकान घाटी में पहुंचने की कल्पना कीजिए, जहां नियंडरथल्स सैकड़ों हजारों साल से रह रहे थे। इन नवागंतुकों ने उन हिरणों का शिकार करना और वे बीज और बेरियां बटोरना शुरू कर दिया जो नियंडरथल्स की पारंपरिक भोजन सामग्री थी। सेपियंस बेहतर टेक्नोलॉजी और श्रेष्ठ सामाजिक दक्षताओं के कारण शिकार और संग्रह करने के मामले में ज्यादा कुशल थे। उनके मुकाबले कम चतुर नियंडरथल्स को अपना पोषण करना उत्तरोत्तर मुश्किल होता गया। आबादी कमजोर होती गई और वे धीरे धीरे मरते गए। शायद एक दो सदस्यों को छोड़कर जो अपने सेपियंस पड़ोसियों में शामिल हो गए। एक और संभावना यह है कि संसाधनों को हासिल करने की होड़ भड़क कर हिंसा और जाति संहार में बदल गई हो। सहिष्णुता सेपियंस की विशेषता नहीं है। आधुनिक युगों में चमड़ी का रंग, बोली या धर्म का छोटा सा भेद सेपियंस के एक समूह को दूसरे समूह के विनाश के लिए भड़काने को काफी रहा है। क्या प्राचीन सेपियंस एक नितांत भिन्न मनुष्य प्रजाति के प्रति अधिक सहिष्णु रहे होंगे? पूरी संभावना है कि जब सेपियंस की मुठभेड़ नियंडरथल्स से हुई होगी तो उसका नतीजा इतिहास के पहले और सबसे महत्वपूर्ण जाति संहार के रूप में सामने आया होगा। ये सब जिस किसी भी तरह हुआ हो, लेकिन नियंडरथल्स इतिहास की एक सबसे बड़ी अटकल पेश करती है। कल्पना कीजिए कि यदि नियंडरथल्स या डेनिसोवंस होमो सेपियंस के साथ साथ जीवित बने होते तो हालात ने क्या शक्ल ली होती। उस दुनिया में किसकी संस्कृतियां, समाज और राजनीतिक संरचनाएं प्रकट हुई होती जिसमें एक साथ अनेक मनुष्य प्रजातियों का सह अस्तित्व रहा होता। उदाहरण के लिए धार्मिक आस्थाएं किस रूप में सामने आई होती? क्या जेनेसिस की पोथी ने यह घोषणा की होती कि नियंडरथल्स आदम और ईव के वंशज हैं? क्या ईसा डेनिसोवंस के पापों की खातिर मरे होते? और क्या कुरान ने जिस किसी भी प्रजाति के तमाम नेक इंसानों के लिए जन्नत में जगह सुरक्षित की होती? क्या नियंडरथल्स रोमन सेना में या शाही चीन के विशाल नौकरशाही में अपनी सेवाएं दे सके होते? क्या अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इसे एक स्वतः सिद्ध वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता कि होमो प्रजाति के सारे सदस्य जन्मजात रूप से बराबरी का दर्जा रखते हैं? क्या कार्ल मार्क्स ने तमाम प्रजातियों के कामगारों से एकजुट होने का आह्वान किया होता? पिछले 10,000 सालों से होमो सेपियंस एकमात्र मानव प्रजाति होने का इस कदर अभ्यस्त हो गया है कि हमारे लिए किसी दूसरी संभावना की कल्पना करना मुश्किल हो चुका है। भाइयों और बहनों के हमारे अभाव के कारण हमें ये कल्पना करना आसान हो गया है कि हम सृष्टि के प्रतिमान हैं और एक बहुत बड़ी खाई है जो हमें शेष प्राणियों के साम्राज्य से अलग करती है। जब चार्ल्स डार्विन ने इस ओर इशारा किया था कि होमो सेपियंस प्राणियों की महज एक और किस्म है तो लोग बुरी तरह नाराज हो उठे थे। यहां तक कि बहुत से लोग आज भी इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं होते। अगर नियंडरथल्स जीवित बने रहे होते तो भी क्या हम अपने आप को अलग प्राणी मानते? संभवतः ठीक इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने नियंडरथल्स को नेस्तनाबूद कर दिया होगा। वे इतने सुपरिचित थे कि अनदेखा नहीं कर सकते थे।
लेकिन इतने भिन्न थे कि सह नहीं सकते थे। सेपियंस दोषी रहे हों या ना रहे हों, लेकिन जैसे ही वे एक नए ठिकाने पर पहुंचे, वैसे ही वहां के स्थानीय आबादी का लोप हो गया। होमो सोलोइंसिस का अंतिम अवशेष लगभग 50,000 साल पहले का है। होमो डेनिसोवा इसके तुरंत बाद लुप्त हो गए। नियंडरथल्स मोटे तौर पर 30,000 साल पहले चले गए। बोनेनुमा अंतिम मानव फ्लोरेस के द्वीप से लगभग 12,000 साल पहले गायब हुए। वे अपने पीछे कुछ अस्थियां, कुछ पत्थर के औजार, हमारे डीएनए में कुछ जीन और ढेर सारे अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गए। वे हम होमो सेपियंस के पीछे अंतिम मानव प्रजाति को भी छोड़ गए। सेपियंस की कामयाबी का रहस्य क्या था? किस तरह हम इतने सारे दूर दराज और पर्यावरण की दृष्टि से भिन्न स्थानों पर इतनी तेजी से अपने पैर जमा सके? हमने किस तरह दूसरी मानव प्रजातियों को गुमनामी में धकेल दिया? यहां तक कि मजबूत, अक्लमंद, ठंड से अभ्यस्त नियंडरथल्स भी हमारे हमले को क्यों नहीं झेल सके? बहस जोरों से जारी है। सबसे संभावित जवाब स्वयं वो चीज है जो इस बहस को मुमकिन बनाती है। होमो सेपियंस ने सबसे ऊपर अपनी अनूठी भाषा की वजह से दुनिया पर विजय प्राप्त की है। चैप्टर 2, ज्ञान का वृक्ष।